हक में देता है गवाही। ओ एक ही जन्म में, एक ही जन्म में दे दिशा तो खुशियाँ, रब्बा मेरे मैं तगड़ खा के मर जावा। ओ मेरी हीरे वे तू जुग जुग जीवे रे, मेरा जड़ नाल तू ले ले इश्क तो फेरे वे। ओ मेरी हीरे वे तू जुग जुग जीवे रे, मेरा जड़ नाल तू ले ले इश्क तो फेरे। रब्बा मेरे मैं तगड़ खा के मर जावा। ओ मेरी हीरे वे तू जुग जुग जीवे रे, मेरा जड़ नाल तू ले ले इश्क तो फेरे वे। ओ मेरी हीरे वे तू जुग जुग जीवे रे, मेरा जड़ नाल तू ले ले इश्क तो फेरे वे। आबाद है हवाएं हक में,
तू नज़्म नज़्म सा मेरे होंठों पे ठहर जा, मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आँखों में जागू रे। तू इश्क इश्क सा मेरे रूह में आके बस जा, जिस ओर तेरी
एक बात आप सुनिए, आप पहले ही समझ लीजिए, जब परफॉर्मेंस स्टार्ट हो तब ताली बजानी है, तब तो परफॉर्मेंस जैसे ही खत्म हो जाए तब ताली बजानी है, बीच में बजानी है। क्या बात है, क्या बात है।
क्या बात है। और जी हाँ, अब
अभी जब जैसे इवेंट स्टार्ट होने वाला था, हमारे बादल जी की एंट्री होने वाली थी, तो पर्सनली मिले थे उससे, तो उन्होंने बोला था निशांत भाई इवेंट ऐसा होना चाहिए तो मिलेगा iPhone 14। एक बार बादल भाई के लिए जोरदार तालियां हो जाएगा। एक हस्बैंड और वाइफ के बीच में किस बात को लेके सबसे ज्यादा झगड़े होते हैं? अरे क्या बात है, मतलब आप पहले से ही मैं अपना इनाम, मैं अपना ये दीदी है, मैं अपना आईफोन अपने पास ही रखूंगी। किसी है ना, पॉइंट की बात है नहीं है क्या? इन्होंने पहले ही मतलब सेटिंग कर लिया है कि हाँ भैया अपना आईफोन और किसी को नहीं जाने देंगे पहले ही। नहीं नहीं अभी आपको मौका नहीं दिया जाएगा, नहीं तो अभी एक ही बार में सही बता दिया तो बात तो यहीं पे कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा ठीक है बताइए। हाँ जी मामा जी ऑफिस से लेट हो जाएगी। अच्छा कब तक आओगे? अच्छा 7:30 बजे तक। अच्छा 7:30 बजे तक ऑफिस तो 6 बजे बंद हो जाता। अरे बॉस के साथ जाना है डिनर करने, डिनर करने। अच्छा ठीक, फिर शाम को फिर जो हम देखते हैं वो जो करती हैं बताने वाली बात है। झगड़े उधर भी होते आपने जो बताया वो अच्छा बताया, लेकिन वो तीसरे और चौथे पे चला गया। मैं सबसे ज्यादा कॉमन पूछना चाह रहा हूँ। हाँ जी यही है, ये हर घर में होता है, भले कोई एग्री करे कि नहीं। खाना क्या बनाना है जल्दी से बताओ, यही सबसे कॉमन है। क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। लेकिन मुझे जो चाहिए था वो अभी नहीं मिला है। चलिए मुझे जो चाहिए था वो अभी नहीं मिला है, अगर आप लोगों में से निकल के आता है तो ठीक है, नहीं तो मैं बताऊंगा सबसे ज्यादा नहीं करने देता हूं। नहीं सबसे ज्यादा मोबाइल ही चलाते हैं घर आके। अच्छा मोबाइल को लेके आपका भी चौथे और पांचवें नंबर पे, मैं बताना चाहेंगी। क्या बात है, देखते हैं इनका। लेकिन जो मैं जो चाह रहा हूँ निकल के मैं झगड़े बिल्कुल भी नहीं होते। क्या बात है, इनके प्यार के लिए मैं जोरदार तालियां हो जाए। और कोई बताना चाहेगा? हाँ जी क्योंकि जब वो बोलती है तो हम चुप हो जाते हैं, जब हम चुप होते हैं तो वो बोलती है। एक्चुअली काम मिलेगा, अभी आप थोड़ा सा और सोचिए, तब तक मैं हम एक और धमाकेदार एंट्री। आपकी पंजाबी में कहते हैं बारी बरसी खड़क गया सी घर के ले आती चाबी, बारी बरसी खड़क गया सी घर के ले आती चाबी, मैं फिर आ सकता जब बचे तो लेंगी बावे। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे अपनी दीपाली भाभी जी का। गाइस मेरे लोग को शोर मचा दीजिए, तालियां बजा दीजिए, शायद कुछ सवाल होने वाला है। म्यूजिक क्या हुआ बॉडी पर? Thank you.
तालियों के साथ बताएंगे प्लीज। क्या बात है। थैंक यू सो मच। एंड मैं अपनी छोटी बहन ही ला रही हूँ, सो डोंट वरी, मोस्ट वेलकम इन द हाउस। ओके, ये बात तो इनकी स्माइल ही बता देती है रियल में। एक बार जोरदार तालियां हो जाए कि एक तरीके से हमारी दीदी को बड़ी दीदी मिलने वाली है एक तरीके से। और मैं यहाँ पर अब एक और धमाकेदार एंट्री, ये था ग्रुप साइड से, अब ब्राइड साइड से यहाँ पर बुलाना चाहूंगा रजनी मौसी प्लीज। नहीं मैं नहीं, मैं नहीं, मैं नहीं, क्यों नहीं, ओ हो आना तो पड़ेगा। रजनी मौसी क्या हाल है, जल्दी से आ जाइए जल्दी से। आपके चेहरे पर मुस्कान हमेशा ऐसे ही रहे, कोई भी गम भांजी के पास ना रहे। मेरी यही है दुआ, मेरी भांजी कभी भी परेशान ना हो। जय श्री राम। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। क्या समझाए, बड़ी दुर्घटना है, मुश्किल बचना है, ऐसी आंधी बनी रहे। एक बार जोरदार तालियां हो जाए गाइस। और जी हाँ,